हेलो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स का पेपर अगर छूट जाता है या अकाउंट्स में फुल मार्क्स नहीं आते हैं तो उसका एक कारण होता है मैथ्स। जी हाँ, मैथ्स। आपका मैथमेटिकल कैलकुलेशन अगर स्लो है तो बहुत मिस्टेक होने के चांसेस हैं, प्लस पेपर छूट जाने के भी बहुत चांसेस हैं। आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ट्रिक लेके आया हूँ, अगर वो ट्रिक का इस्तेमाल करोगे तो पक्का आपका पेपर जल्दी कंप्लीट कर सकोगे। कैलकुलेशन बहुत ही फास्ट हो सकता है, तो आइए देखते हैं। पहले एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। से अगर हम ऑटो से जा रहे हैं और ऑटो का बिल हुआ 238 रुपीज और हमने ऑटो ड्राइवर को दिए 500 रुपए, तो वो कैसे कैलकुलेशन करेगा? क्या वो पेपर पेन लेके बैठेगा 500 - 238 करने के लिए? नहीं। वो क्या करेगा, मैं समझाता हूं। वो ओरली क्या करेगा, तो पहले 238 का आपका बिल हुआ है, पहले वो आपके हाथ में 2 रुपए थमा देगा। उसकी गिनती चल रही है दिमाग में, 240 हो गया। उसके बाद वो 60 रुपए आपके हाथ में थमा देगा, यानी अब उसके दिमाग में चल रहा है 300 रुपए हो गए। और फिर वो आपके हाथ में 200 रुपए थमा देगा, यानी अभी 500 का पूरा हिसाब हो गया। विच मीन्स अगर हम ये तीनों को जोड़ दें तो 262 इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन 500 एंड 238, दैट इज 262। अब ये मेथड की ब्यूटी ये है कि जो हमारा ट्रेडिशनल मेथड है उसमें हम क्या करते हैं, जीरो में से 8 नहीं जाएगा तो बोरो करो, हमेशा बोरो करने में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। ये वाली मेथड में जरा भी मिस्टेक नहीं होगी। तो अगर हमें ये मेथड आ जाए और इसमें हम एक्सपर्ट हो जाएं तो पक्का जो मैं कह रहा था आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इस मेथड के, ताकि आप थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाएं कि इसको यूज कैसे करेंगे। तो पहले छोटा सा एग्जांपल लेते हैं वापस से। मुझे 650 में से 343, पहले थोड़ा इजी एग्जांपल लेता हूं, 656 लेता हूं। तो 656 में से 343 माइनस करना है, तो मैं 6 में से 3 माइनस नहीं करूंगा। मैं ऐसे पूछूंगा कि 3 में कितना ऐड करोगे तो 6 आएगा। सर 3 ऐड करोगे तो 6 आएगा। 4 में कितना ऐड करोगे तो 5 आएगा। सर 1 ऐड करोगे तो 5 आएगा। और 3 में कितना ऐड करोगे तो 6 आएगा, 3। अब मुझे मालूम है आपके दिमाग में चल रहा है कि ये तो बहुत सिंपल था सर, ये जो फिगर्स हैं वो मैंने इससे बड़े लिए हैं जानबूझ के, ताकि एक मेथड आपको समझ में आए। अभी थोड़ा मुश्किल वाला लेते हैं, तो अभी लेते हैं 650 माइनस 343, ठीक है। अब कैसे, तो अभी 3 में कितना ऐड करें तो 0 आ जाए? ना ना ना, आपको क्या सोचना है, 3 में कितना ऐड करें तो 10 आ जाए, 10। तो 3 में 7 ऐड करोगे तो 10 आ जाएगा। 0 यहां पे लिख दिया और 1 इधर कैरी हो गया। 3 में 7 ऐड किया तो 10, 0 इधर छोड़ दिया, 1 इधर कैरी हो गया। 4 + 1 = 5, 5 में कितना ऐड करोगे तो 5 आएगा। सर 0 ऐड करोगे तो 5 आ जाएगा। और 3 में कितना ऐड करोगे तो 6 आएगा, 3। तो 307 ये आंसर है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सो 3426 माइनस 2853, ठीक है। अब 3 में कितना ऐड करोगे तो 3 आएगा, 6। 5 में कितना ऐड करोगे तो 12 आएगा, इधर 2 है तो 5 में कुछ ऐड करके 2 तो आ नहीं सकता है, तो 12 तक जाना है। 5 में 7 ऐड करोगे तो 12 आ जाएगा, 2 यहां पे छोड़ दिया, 1 कैरिड ओवर। 8 + 1 = 9, 9 और इधर 4 है तो क्या सोचना है, 9 में कितना ऐड करोगे तो 14 आएगा। तो 9 + 5 = 14, 4 इधर छोड़ दिया, 1 कैरिड ओवर। 2 + 1 = 3, 3 में 0 ऐड करोगे तो 3 आएगा। तो 573। तो ये था हमारा मेथड, बहुत ही इजी मेथड ऑफ इंस्टेड ऑफ सब्ट्रैक्टिंग हाउ टू ऐड टू गेट द आंसर। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि ट्रेडिंग और पीएनएल अकाउंट को बिना दोबारा लिखे कैसे एक झटके में एक ही बार में बैलेंसिंग किया जा सकता है। तो देखने मत भूलिएगा वो वीडियो, ताकि एक ही झटके में आपका सीधा ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।